कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन, मतलब जिसको हम लोग टार क्रिएशन कहते हैं। और इसके पहले जो हमने फोटोलिसिस ऑफ वाटर पढ़ा, दैट इज अ लाइट रिएक्शन, क्योंकि उसके लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए, लुक, यहां पर क्या है कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कैल्विन साइकिल, इसी को हम लोग कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। और कैल्विन साइकिल बोलते हैं क्योंकि इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कैल्विन मेल्विन थे। इसको हम C3 साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पहला कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड होता है ना, इसलिए हम इसको C3 साइकिल बोलते हैं। तो ये हमारा C3 साइकिल भी कहलाता है। अच्छा, होता क्या है कि जब साइकिल एक बार चलता है ना, तो एक बार साइकिल चलने में है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन का मॉलिक्यूल लिखता है, और इस एक कार्बन के मॉलिक्यूल को एक बार जब साइकिल चलता है तो C6H12 C6H12O6 में, इसमें से जो 6 कार्बन है इसमें एक बार साइकिल चला तो एक बार एक कार्बन फिक्स होता है। इस तरह से जब 6 बार साइकिल चलेगी है ना, तो 6 बार साइकिल चलने से क्या होगा कि 6 कार्बन फिक्स होंगे, मतलब कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए साइकिल कितने बार चलेगी, 6 टाइम। तो 6 टाइम साइकिल चलेगी क्योंकि हर बार साइकिल में एक कार्बन डाइऑक्साइड का में से एक कार्बन का मॉलिक्यूल ग्लूकोज में जाकर के डिपॉजिट हो रहा है या फिक्स हो रहा है ना। तो अब देखिए यहां पर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को देखो, अब यहां पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है CO2 का, तो CO2 का मॉलिक्यूल, इसको यहां पर कौन सा मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल है उसको रेगुलोज बाईफॉस्फेट बोलते हैं। रेगुलोज बाईफॉस्फेट आप देख पा रहे होंगे यहां पर कितने कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये जो ब्लू कलर से दिखाए गए हैं, पर्पल कलर से, ये कार्बन के मॉलिक्यूल है, 5C मॉलिक्यूल है। तो रेगुलोज बाईफॉस्फेट एक 5C मॉलिक्यूल है ना, 5 कार्बन के मॉलिक्यूल है। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड आया मतलब 1C मॉलिक्यूल, तो 5 और 1 6 हो गए है ना। तो यहां पर क्या होता है कि 6 मॉलिक्यूल जो होते हैं ये बन गए किसके, सॉरी 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है, तो 6 कार्बन के मॉलिक्यूल 3C कार्बन 3C कार्बन मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं, और 3C के 2 मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं है ना। तो ये और बनाते क्या है, फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन करते हैं, PGA का। PGA क्या है, तो यहाँ पे रेगुलोज का एक मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल, दोनों मिलकर के 2 PGA के मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाते हैं। फॉस्फोग्लिसरेट जो है ये फॉस्फोग्लिसरेट 3 कार्बन से बना हुआ कंपाउंड है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर क्या हुआ, 6 मॉलिक्यूल किसके हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड के, ये जो दिया हुआ है एस्टिमेट जो दिया हुआ है 12P कहां से बने है ना। तो आप देखिए यहां पर 6 मॉलिक्यूल इसके और 6 मॉलिक्यूल इसके, ठीक है, 6 मॉलिक्यूल इसके है ना, किसके, RUBP के, 6 6, तो 6 मॉलिक्यूल इसके और 6 मॉलिक्यूल इसके, तो 60 मॉलिक्यूल ये हो गए और 66 मॉलिक्यूल हो गए है ना। तो बने जाकर के ऐसे छोड़ दो, यहाँ से ये कैलकुलेशन मत रखो, मैं जैसे समझा रहा हूँ वैसे चल दो। देखो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल इसका बना जा करके, मैं जरा कुछ हाइट करो, ठीक। देखो एक कार्बन का मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड से लिया है ना, और यहाँ पर रेगुलोज बाईफॉस्फेट RUBP एक 5C कंपाउंड, एक कार्बन ये एक 5 कार्बन ये, दोनों मिलाकर के 6 कार्बन बने। 6 कार्बन कंपाउंड ब्रेक होता है 3C कंपाउंड में, तो 2 3C कंपाउंड बने, यहाँ पर 2 3 6C हो गया ना टोटल। अब देखो तो यहाँ पर रेगुलोज बाईफॉस्फेट RUBP मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करता है, तो RUBP क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने वाला एक एंजाइम है, रेगुलोज बाईफॉस्फेट। अब क्या है, ये मिलकर के फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन करता है, तो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं फॉस्फोग्लिसरेट के। अब यहां पर देखिए ATP खर्च होती है किसमें, तो टोटल पूरे साइकिल में 12 ATP खर्च होती है,
तो एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होती है, मतलब कि इस साइकिल में एनर्जी कंज्यूम हो रही है। फिर क्या होता है, ये एनएडीपीएच एनएडीपी प्लस पे कन्वर्ट हो रहा है। तो ये एनएडीपीएच आया कहां से, ये एनएडीपीएच ये वही एनएडीपीएच है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ईटीएस से है ना वहां पे प्रोड्यूस हुआ था। वहां पर आप जेड स्कीम में देख रहे थे कि फाइनली इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेप्टर था दैट वाज एनएडीपीएच, ये वही एनएडीपीएच है जो यहां पे यूटिलाइज हो गया। तो ये आकर के पूरे साइकिल में मतलब एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के बनने में 12 एटीपी खर्च होते हैं, 12 एनएडीपीएच खर्च होते हैं, ठीक है। तो एनएडीपीएच एनएडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। अब होता क्या है कि फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हुआ ग्लिसरलडिहाइड 3 फॉस्फेट, इसको हम G3P क्या बोलते हैं, ग्लिसरलडिहाइड 3 फॉस्फेट में, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी 3C कंपाउंड है, 3 कार्बन से बना हुआ कंपाउंड है, राइट। अब क्या होता है यहाँ पर कि तो 3C कितने 2 मॉलिक्यूल बनते हैं जाकर के। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो ग्लिसरलडिहाइड फॉस्फेट में है ना G3P में कन्वर्ट हो गया। इसमें से होता क्या है कि अब ये टोटल 6 कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें एक कार्बन का मॉलिक्यूल कन्वर्ट चला जाता है किसके पास में, कार्बोहाइड्रेट बनाने में। अब टोटल 6 कार्बन के मॉलिक्यूल थे है ना, 3C 3C 2, ठीक है, तो 6C थे, इनमें से एक कार्बन निकल गया, अब कितने बचे, 5C बने है ना। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर जो G3P मॉलिक्यूल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है रेबुलोज बाइफॉस्फेट में, ठीक है। तो G3 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुआ रेबुलोज फॉस्फेट में। अब रेबुलोज फॉस्फेट 5C कंपाउंड है, ठीक है, रेबुलोज फॉस्फेट फिर से ATP को ADP में कन्वर्ट करता है, मतलब एनर्जी कंज्यूम करता है, और इस ADP से निकला हुआ जो फॉस्फेट होता है उस फॉस्फेट को लेकर के रेबुलोज बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए यहां पर क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड एड हो जाती है तो हम इस प्रोसेस को कहते क्या है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स की जा रही है, तो इस प्रोसेस को, इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन होता है, पहला स्टेप क्या है, कार्बोक्सिलेशन, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ग्लिसरलडिहाइड फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, ये आइसोमराइजेशन है, तो यहाँ पे आइसोमराइजेशन होता है, आइसोमर में कन्वर्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप आप देखिए, यहाँ पे कार्बन का एक मॉलिक्यूल निकल रहा है, तो आप इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पर एक कार्बन का मॉलिक्यूल निकल रहा है, तो दूसरी प्रोसेस हुई डीकार्बोक्सिलेशन, जहां कार्बोक्सिलेशन हुआ डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। इसके बाद क्या होता है, तीसरी प्रोसेस क्या होती है, यहाँ पर रेबुलोज बाइफॉस्फेट फिर से जनरेट हो जाता है, जो कि यहाँ से यहाँ तक आया और यहाँ से फिर से जनरेट हुआ, कार्बन का मॉलिक्यूल दिया और फिर से दोबारा रीजनरेट हुआ। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन, ठीक है। तो इसको हम रीजनरेशन प्रोसेस बोलते हैं, दोबारा फिर से ये केल्विन साइकिल है। तो एक बार जब केल्विन साइकिल चलती है तो एक कार्बन का मॉलिक्यूल फिक्स होता है। इस तरह से जब छह कार्बन के मॉलिक्यूल को फिक्स होने के लिए केल्विन साइकिल को 6 बार चलना पड़ता है। बताओ भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो भाई। यस सर। क्या बात है, बहुत जल्दी क्लियर हो गया, फिर बना लो इसी बात पे। सर एक और बार रिपीट कर दो। बिल्कुल, पहले उतारो इसको, ड्रॉ कर लो जल्दी से ना, फिर मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ये पूछ रही थी कि जब एक बार ये साइकिल चलती है तो G3P के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है ग्लूकोज वाले एरिया में वो क्या बनता होगा, मतलब जाहिर सी बात है ग्लूकोज तो बनेगा नहीं फॉरन, वो तो 6 साइकिल के बाद बनता है, तो एक साइकिल में क्या बनता है सर? ये इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो कार्बन के मॉलिक्यूल्स को लेते जाते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं, ऐसा सच कोई ग्लूकोज कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता। तो G3P होता है ना, वो ऐसा सच किसी मॉलिक्यूल को, यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स कार्बन के मॉलिक्यूल को एक्यूमुलेट करते जाते हैं, तो कार्बन का पॉलीमराइजेशन करते जाते हैं, समझ गए? अच्छा सर, ओके सर।
सर एक और क्वेश्चन पूछना था सर. आपने बताया था कि उन्होंने क्या नाम था, रूबिन एंड कमान ने, इन लोगों ने बताया था कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो उसका होता है, क्या कहते हैं, H2O का होता है. तो सर जो ग्लूकोज में ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होगा. ओके सर. सर बना लिया. बना लिया सर, कर लिया सब लोगों ने? नो सर. हो गया भाई? यस सर. ठीक है, देखिए मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, समझो कर. देखो यहां पर क्या होता है कि रुबलोज बाईफॉस्फेट RUBP है ना, एक 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है. ठीक है, ये क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से एक कार्बन के मॉलिक्यूल को ले लेता है. तो किसी भी चीज में कार्बन का जुड़ जाना कार्बोक्सिलेशन है, तो कार्बोक्सिलेशन हुआ है ना. अब देखते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ कि 6 कार्बन के मॉलिक्यूल, 5A और 1-6-6. दोबारा साथ कर दो, मेरा नेट चला गया था. दोबारा तो बता रहा हूं, देखो ना मैंने ये कहा कि देखो यहां पर क्या है कि एक 5 कार्बन का मॉलिक्यूल जिसका कि नाम है रेबुलोज बाईफॉस्फेट, ये कार्बन डाइऑक्साइड से एक कार्बन के मॉलिक्यूल को ले लेता है. तो 6 कार्बन के मॉलिक्यूल हुए और बनाता क्या है, फॉस्फोग्लिसरेट. फॉस्फोग्लिसरेट एक 3 कार्बन से बना हुआ मॉलिक्यूल, 3C कंपाउंड. तो 3C कंपाउंड के तो 6 कार्बन जो होते हैं ये 3C 3C 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाते हैं. ठीक है, और उस कंपाउंड का नाम है फॉस्फोग्लिसरेट, DGA बना देते. फिर क्या होता है, ATP ADP में कन्वर्ट होता है, मतलब एनर्जी कंज्यूम होती है. NADPH NADP में कन्वर्ट होता है, मतलब फिर से एनर्जी कंज्यूम होती है. और क्या होता है, जो फॉस्फोग्लिसरेट है, फॉस्फोग्लिसरेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट है ना, ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है कि फॉस्फोग्लिसरेट और ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट, मतलब PGA और G3P दोनों एक दूसरे के आइसोमर है ना. तो यहाँ पे आइसोमराइजेशन होता है.
अब उसके बाद क्या होता है, ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट में से एक कार्बन का मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो 6 में से एक कार्बन का एटम, नॉट मॉलिक्यूल, एक कार्बन का एटम निकल गया है ना, ये ग्लूकोज बनाने में काम आता है एक कार्बन का। तो यहां पर क्या हुआ, कार्बन निकल जाना, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन, तो कार्बन निकल गया। अब क्या होता है, ये ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट में थे टोटल 6 कार्बन मॉलिक्यूल थे, 6 कार्बन एटम थे, 6 कार्बन एटम में एक एटम कम हो गया है ना, तो अब क्या है, ये G3P कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रेबुलोज बाइफॉस्फेट में है ना, तो रेबुलोज बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो रेबुलोज जो फॉस्फेट है, सॉरी रेबुलोज फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, रेबुलोज फॉस्फेट, इस प्रोसेस को हम रिजनरेशन बोलते हैं, क्योंकि दोबारा से रेबुलोज बन गया, इसको हम रिजनरेशन बोलते हैं। अब क्या होता है, रेबुलोज फॉस्फेट को रेबुलोज बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होना है, तो मतलब इसको एक फॉस्फेट ग्रुप और चाहिए, तो ATP ADP में ब्रेक होता है, इस ATP से ADP में ब्रेक होने में जो फॉस्फेट निकलता है, उस फॉस्फेट को ये ले लेता है, फॉस्फेट के एटम को ले लेता है, और रेबुलोज फॉस्फेट रेबुलोज बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर से दोबारा साइकिल कंटिन्यू होती है। क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, तो इसको लिखवा दूं? बोलो भाई। यस सर। यस सर। चलो नोट कर लो। कैल्विन साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। कैल्विन साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। फर्स्ट, तो 3 फेजेस कौन कौन से, फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल, ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल, थर्ड रिजनरेशन ऑफ RUBP, ठीक है, नोट करेंगे, कार्बोक्सिलेशन, रिजनरेशन ऑफ RUBP, RUBP है ना, रेबुलोज बाइफॉस्फेट, RUBP, फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन, RUBP इज एक्सेप्टर ऑफ CO2, ठीक है, एंड the process is called carboxylation. It takes place in presence of enzyme called Rubisco. Rebulose biphosphate carboxylase oxygenase. Sir, repeat कर दो. It takes place in the presence of Rubisco. Rebulose, इसका फुल फॉर्म है रेबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम,
यहां पे थोड़ा सा पॉज करना चाहूंगा। देखिए रुबिस्को जो है तो एक कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज दोनों एंजाइम है, ये कार्बोक्सिलेशन भी कर सकता है और ऑक्सीजनेशन भी कर सकता है, मतलब कि रेबुलोज जो है आरयूबीपी को ये एंजाइम क्या कर सकता है, अगर अगर यहाँ इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो कार्बोक्सिलेशन करेगा, लेकिन अगर गलती से यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो यह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और आरयूबीपी में कार्बन की जगह ऑक्सीजन ऐड कर देगा, ठीक है, जिससे कि इस साइकिल में नुकसान हो जाएगा, राइट। तो नॉर्मली ये क्या करता है, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करता है, लेकिन इस एंजाइम की कैपेबिलिटी दोनों से ज्वाइन होने की है, ऑक्सीजन से भी और CO2 से। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, तो नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नोट करके लिखो इसमें, नोट, रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ बायोलॉजिकल वर्ल्ड, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ बायोलॉजिकल वर्ल्ड। एक बात और बता देता हूं, रुबिस्को इज मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑफ द वर्ल्ड एज वेल, ठीक है। तो होता क्या है कि आरयूबीपी है ना, इसमें क्या रिएक्शन होती है, आरयूबीपी है ना, ये CO2 के साथ कंबाइन करता है रुबिस्को की प्रेजेंस में, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है 2PGA में, ठीक। नेक्स्ट ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल, PGA इज फर्दर, अब देखो किसी भी प्रोसेस में एटीपी से एडीपी का ब्रेक होना है ना, और किसी कंपाउंड में फॉस्फेट का जुड़ जाना है ना, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, है ना? तो नोट करेंगे पीजीए इज फॉस्फोराइलेटेड, पीजीए इज फॉस्फोराइलेटेड by ATP, and in the presence of enzyme. So by. By. क्या first by ATP, and in the presence of enzyme. Triose phosphate kinase, in the presence of enzyme triose phosphate kinase, it gives rise to 1,3 biphosphoglyceric acid, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से अब जब एटीपी से एडीपी बना तो ये फॉस्फोराइलेशन जो हुआ तो आप क्या हुआ, एक और फॉस्फेट क्या बना, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां पर रोल आएगा तो पीजीए एटीपी से तो रिएक्शन क्या होगी, ऊपर से पीजीए आया, पीजीए प्लस एटीपी, और पीजीए प्लस एटीपी ऊपर ये एंजाइम कौन सा था, ट्रायोस फॉस्फेट काइनेस, एंजाइम काम करेगा, कन्वर्ट किसमें होगा, ये कन्वर्ट होगा 1,3
बाय फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, तो 1,3 बाय फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब क्या हुआ, ये 1,3 बाय फॉस्फो जो ग्लिसरिक एसिड था है ना, इसमें एनएडीपी एनएडीपीएच में कन्वर्ट हुआ है ना। तो एनएडीपी जब एनएडीपी सॉरी एनएडीपीएच एनएडीपी में कन्वर्ट होगा तो इससे हाइड्रोजन निकला और हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया, तो मतलब क्या हुआ, रिडक्शन हुआ यहाँ पर, ठीक है ना। तो रिडक्शन होने से क्या बनेगा, अब रिडक्शन जब यहाँ पर हो जाएगा तो रिडक्शन होने से बनेगा जाकर के G3P है ना, तो नोट करेंगे बाईफॉस्फो, नेक्स्ट पॉइंट, बाईफॉस्फो 1,3 बाईफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, 1,3 बाईफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड इज रिड्यूस्ड बाय NADPH, 1,3 बाईफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड is reduced by NADPH, ठीक है, in presence of dehydrogenase enzyme, produces, so in presence of dehydrogenase enzyme produces glyceraldehyde 3-phosphate, produces glyceraldehyde 3-phosphate. तो next reaction क्या होगी, 1,3 by phospho glyceric acid जो कि ऊपर बना हुआ था plus NADPH, ठीक है, एंजाइम कौन सा होगा, डिहाइड्रोजनेज, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट कर देगा इसको G3P में, तो G3P बन गया। नेक्स्ट पॉइंट, सो ये वाला लास्ट टाइम रिपीट कर देंगे, प्रोड्यूस्ड ग्लिसरेल्डिहाइड, ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, नोट कर दूं, फिर से रिपीट कर दूं, नोट करो, नहीं बस ये लास्ट ही का पॉइंट था। हाँ, तो प्रोड्यूस G3P ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ठीक है, यस सर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्लिसरेल्डिहाइड, अच्छा ये तो प्रोसेस क्या थी, ये दूसरी वाली प्रोसेस ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल है ना। अब नेक्स्ट वाली हेडिंग रिजनरेशन ऑफ RUBP, ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, सही, थर्ड में लिखना है, हाँ ये अब थर्ड में लिखना है, रिजनरेशन होगा, ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट G3P रिमूव्स अ कार्बन मॉलिक्यूल, रिमूव्स अ कार्बन मॉलिक्यूल एंड अगेन बिकम रेगुलोज फॉस्फेट, फुल स्टॉप, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सही बार रिपीट कर देंगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया, ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट रिजनरेशन ऑफ RUBP में लिख रहे हैं, ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट रिमूव, सो फिर से रिपीट कर दीजिए, मैं आउट हो गई थी सर, हेडिंग डालेंगे रिजनरेशन ऑफ RUBP, यस सर, हेडिंग डाल दीजिए सर, ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट
ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट G3P, इट रिमूव्स अ कार्बन मॉलिक्यूल, अ कार्बन मॉलिक्यूल हेंस द प्रोसेस इज डीकार्बोक्सिलेशन. Let's stop. Regeneration of ribulose phosphate. Regeneration of ribulose phosphate takes place. Let's stop. Ribulose phosphate in the presence of phosphorebulokinase converts into ribulose 1,5-biphosphate. So converts into के बाद क्या है? Converts into ribulose 1,5-biphosphate. Next point. देखिए, the net reaction of C3 जिसको क्या हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, है ना, 6-RuBP CO2 18 ATP 12 NADPH ये फिर से रिजनरेट हो जाते हैं, कितने 6-RuBP ये तो रिजनरेट हो जाएंगे, C6H12O6 एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन जाएगा. अब वही 18 ATP कन्वर्ट हो जाएंगे, इसमें 18 ATP में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना, 12 NADPH जो होंगे वो 12 NADP में कन्वर्ट हो जाएंगे, 12 NADP में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस साथ में यहां पे ADP से जब ATP में कन्वर्ट हुआ तो 18-फॉस्फेट मॉलिक्यूल निकलेंगे. ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ दिस डार्क रिएक्शन बोलते हैं. तो डार्क रिएक्शन के होने के लिए, ठीक है, डार्क रिएक्शन के होने के लिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है. तो कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्स होने के लिए लाइट की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए हम आप इस रिएक्शन को डार्क रिएक्शन के नाम से जानते हैं. ठीक है, इसको हम डार्क रिएक्शन नोट कर लिया? नो सर. कर लो.
हो गया डन? यस सर। अच्छा चलो आप देखिए, तो ये हो गया हमारा सी थ्री साइकिल है ना। तो कैल्विन साइकिल ये सी थ्री सी को हम लोग बोलते हैं। हम नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है क्रैंज एनाटॉमी या सी फोर साइकिल है ना। मतलब नहीं, इससे पहले एक चीज और पढ़ना है, उसको हम लोग बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेशन है ना। तो फोटो ऑक्सीडेशन क्या होता है, जैसे फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि होता क्या है फोटो रेस्पिरेशन में। यहां पर जैसे आरयूबीपी है, तो मैंने बताया कि आरयूबीपी जो है ये ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ सकता है। क्यों? क्योंकि भाई जो रुबिस्को एंजाइम है, तो रुबिस्को क्या है, वो कार्बोक्सिलेज भी है, ऑक्सीजनेज भी है। अगर यहां पर ऑक्सीजन की का अमाउंट बढ़ गया तो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर पाएगा है ना, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या करेगा, दो मॉलिक्यूल बनाएगा। तो एक वहां पे क्या बनता था, वहां पे फॉस्फोग्लिसरेट के, ठीक है, तो वहां पे पीजीए का मॉलिक्यूल बनता था। यहाँ पे दो पीजीए के मॉलिक्यूल बनते हैं नॉर्मली जो कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे एक पीजीए बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट, फॉस्फोग्लाइकोलेट। अब फॉस्फोग्लाइकोलेट ये तो कार्बन डाइऑक्साइड को वहां पे जाकर के फिक्स करेगा नहीं, तो फॉस्फोग्लाइकोलेट जो होता है ये एफिशिएंसी को गिरा देगा। मतलब कुल मिलाकर के जो प्रोडक्ट जितना बनना चाहिए उससे आधा ही प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये फोटो रेस्पिरेशन जो होता है, जब ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ जाता है सेल्स के अंदर, तो फोटो रेस्पिरेशन की वजह से किसी भी प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो गिर जाती है। और ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट होता है ये फिर से घूम करके इसी साइकिल में दोबारा से एंट्री करता है, लेकिन फिर भी फॉस्फोग्लाइकोलेट की वजह से इसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो गिर जाती है। समझ आया फोटो रेस्पिरेशन से क्या होता है, नोट कर लीजिए, नोट करिए। फोटो रेस्पिरेशन इज द लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस, the light dependent process of photorespiration is light dependent process of oxygenation of RUBP. And the release of carbon dioxide by photosynthetic release of carbon dioxide by photosynthetic organ of plant. नोट करेंगे, फोटो रेस्पिरेशन डिक्रीज द रेट ऑफ photosynthesis when oxygen concentration increases from 2 to 3% to 21%, 2 to 3% to 21%.
ठीक है। सो आपने कॉन्सेंट्रेशन इनके बाद क्या बोला? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस 2-3% टू 21%। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, द साइट ऑफ फोटोरेस्पिरेशन इज क्लोरोप्लास्ट। द साइट ऑफ फोटोरेस्पिरेशन इज क्लोरोप्लास्ट एंड पराक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया are required. Peroxisome and mitochondria are required to complete this process. ठीक है, आप देखिए होता क्या है। अब ये फोटो रेस्पिरेशन है आपका। सर रिक्वायर्ड टू के बाद क्या कहा था? Required to complete this process. देखिए अब क्या होता है फोटो रेस्पिरेशन में कि ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। आपने देखा कि क्लोरोप्लास्ट में क्या है कि यहां पर कैल्विन साइकिल चल रहा था, है ना। अब हुआ क्या, ये फॉस्फोग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन, है ना। तो यहां पे दो चीजें बनी, क्या, एक तो 3PGA, है ना, PGA बना, ठीक है, PGA तो चला गया साइकिल में, लेकिन जो फॉस्फोग्लाइकोलेट बना वो फॉस्फोग्लाइकोलेट क्या करता है कि ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक फॉस्फेट निकल गया और एक ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो गया। ग्लाइकोलेट के फॉर्म में फॉस्फोग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट से निकल के पराक्सिसोम के पास पहुंच जाता है। अब ग्लाइकोलेट क्या करता है, ग्लाइकोलेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइऑक्सिलेट में, कहां, पराक्सिसोम के अंदर ग्लाइकोलेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइऑक्सिलेट में। ग्लाइऑक्सिलेट कन्वर्ट होता है ग्लाइसिन में। अब ग्लाइसिन इंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर के क्या आमना क्या नहीं सुना तुमने बताओ? required to complete this process ये बोला मैंने। ओके सर, थैंक यू। देखो अब यहाँ पे क्या है, फॉस्फोग्लाइकोलेट क्या होता है, इससे एक फॉस्फेट निकल गया तो क्या हुआ, डिफॉस्फोराइलेशन हुआ, है ना। तो यहाँ पर क्या है, फॉस्फोग्लाइकोलेट ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हुआ, ग्लाइकोलेट ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट होगा और ग्लाइऑक्सिलेट ग्लाइसिन में कन्वर्ट होगा। ग्लाइसिन एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ग्लाइसिन क्या करता है, इससे एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल जाता है, ठीक है। अब एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल इससे निकल गया, है ना। आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जब निकल गया, है ना, तो यहां पे डिकार्बोक्सिलेशन फिर से हुआ, ग्लाइसिन कन्वर्ट हो गया सीरीन में, है ना। सीरीन फिर से एंटर कर जाता है कहां पे, पराक्सिसोम में। सीरीन कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लिसरेट में। ग्लिसरेट क्या है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, है ना। तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट अब ये क्या होता है, ये फिर से केल्विन साइकिल में एंटर कर जाता है और इस साइकिल के अंदर एंटर करके फिर से ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इतनी लंबी प्रोसेस को फॉलो करने की वजह से जो एफिशिएंसी होती है फोटोसिंथेसिस की वो डिक्रीज हो जाती है, जिससे प्रोडक्टिविटी प्लांट की डिक्रीज हो जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। ये साइकिल आपको बनानी पड़ेगी और याद रखना पड़ेगा।
सर एक क्वेश्चन था. सर आपने बताया था कि जहाँ पे जेड स्कीम में वाटर ब्रेक हो रहा होता है PS2 फोटो सिस्टम में, तो उधर मैग्नीशियम का रोल होता है ना सर, वो क्या मैग्नीशियम का क्या रोल होता है वाटर के ब्रेक होने में? वो एक्चुअली क्या भूल गए सर, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स की तरह फंक्शन करता है ना. तो वाटर वाटर स्प्लिटिंग जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें मैग्नीशियम वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स का एक फॉर्म होता है. वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स ही मिलकर के इसको वाटर को स्प्लिट होने में मतलब फोटोलिसिस में हेल्प करता है. ठीक है, सो मैग्नीशियम इज अ पार्ट, मैग्नीशियम एंड क्लोराइड बोथ आर द पार्ट ऑफ वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स. समझ गए, वो जो एंजाइम होता है वाटर को स्प्लिट कर रहा होता है, दोनों उसके कॉन्स्टिट्यूएंट है एक्चुअली. ये चीज समझे? ओके सर, यस सर. उसको ऑक्सीजन ओईसी कहते हैं, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ओईसी. उसको बना लो फिर मैं और बताता हूँ ओईसी होता है कैसा. सर बना लिया. बना लिया भाई लोगों, सब लोगों? यस सर. ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो आपको साइकिल बनाना है, जो पहले लिखा है वो लिखना है, थोड़ा सा और लिख लो इसमें एक दो लाइन. तो क्या लिखना है आपको, नोट करेंगे. In photorespiration, two molecules of phosphoglycolate are formed by oxygenation of RUBB. Oxygenation of RUBB. Is changed into one molecule of one molecule of PGA. Oxygenation of RUBP के लिए. ठीक है. RUBP is changed into one molecule of PGA. तो PGA के कितने मॉलिक्यूल बनने चाहिए थे? दो बनने चाहिए थे ना? Yes, sir. है ना? तो यहाँ पे क्या हुआ? RUBP का ऑक्सीडेशन हुआ, तो दो मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट के बने. लेकिन ये दो मॉलिक्यूल में से फॉस्फोग्लाइकोलेट के मॉलिक्यूल में से कायदे से दो पीजे बनने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक एक पीजे बना.
ठीक है, तो एक एक कहां गया, एक कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल गया, ठीक है, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल गया। तो यहां पर होना क्या चाहिए था, होना यही चाहिए था कि RuBP प्लस CO2 मिल करके बनाना चाहिए था दो मॉलिक्यूल, किसके, PGA के। लेकिन हो क्या रहा है, RuBP प्लस O2 मिल करके ये क्या बना रहा है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल बना रहा है PGA का। तो एक को तो नुकसान हो गया ना, है ना, नोट करेंगे, एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 क्या, वन PGA बनेगा एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड, फुल स्टॉप। इन दिस प्रोसेस दिस चेंज इनटू वन मॉलिक्यूल ऑफ, क्या बोला, वन मॉलिक्यूल ऑफ PGA एंड CO2, वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फुल स्टॉप। इन दिस प्रोसेस 75% ऑफ कार्बन इज लॉस्ट ड्यू टू ऑक्सीजनेशन ऑफ RuBP। नोट करेंगे कौन से फैक्टर इसको इन्फ्लुएंस करेंगे, नीट का क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली, नोट करेंगे, फोटोरेस्पिरेशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फोटोरेस्पिरेशन इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन फर्स्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सेकेंड कंसेंट्रेशन ऑफ O2। तो फोटोरेस्पिरेशन कब इंक्रीज होगा, जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज हो जाएगी, दूसरा जब कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीज हो जाएगा, थर्ड टेम्परेचर की इंक्रीज हो जाने से ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, फोर्थ ड्यू टू इंक्रीज इन एज ऑफ लीफ, ड्यू टू इंक्रीज इन एज ऑफ लीफ। ठीक है, ये फैक्टर होते हैं, क्या हुआ सर, सेकंड में कंसंट्रेशन ऑफ O2 बोला आपने या CO2? O2 है, O2 ना, CO2 कम होगा तो O2 होगा ना, तभी तो फोटो रेस्पिरेशन होगा। यस सर, O2 ही होगा, आपने बाद में बोल दिया था। सर अभी जो आपसे डाउट पूछा गया वो PS2 के बारे में सर, वो मैग्नीशियम क्या है, डाउट पूछा गया वो मैग्नीशियम था या मैंगनीज था, मैंगनीज था, Mn। यस सर, आपने मैग्नीशियम बोला था तभी मैं कंफ्यूज हो गया, Mn था, मैंगनीज था। मैं बता देता हूँ ना, अभी कॉम्प्लेक्स ही बता देता हूँ, रुक जाओ, पहले इसको नोट कर लो। डन, हो गया। तो ये था हमारा फोटो रेस्पिरेशन, देखिए वेट,
देखो भाई ये है ओईसी ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ये होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ये इसमें एमएन एमएन यूज होता है, गैस 0 S1 S2 S3 S4 इसकी स्टेजेस हैं। S2O से हाइड्रोजन निकल गया, ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है। न्यू क्या है? फोटोन है, फोटोन है। तो फोटोन के पड़ने से ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, दिस इज ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, हम लोग इसको बोलते हैं ओईसी बोलते हैं। ये इसका एक्चुअल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसमें कैल्शियम भी होता है, इसमें मैंगनीज भी होती है, और इस प्रोसेस में क्लोराइड की जरूरत पड़ती है। तीन चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, एमएन, कैल्शियम एंड क्लोराइड, दिस थ्री थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट इट। ठीक, यस सर। ठीक है भाई, तो आज यहीं तक रखेंगे, अब इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में C4 साइकिल पढ़ा दूंगा और ये खत्म हो जाएगा हमारा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और थोड़ा सा कुछ बताना पड़ेगा लाइट वाइट का, क्या लाइट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कौन कौन से फैक्टर फोटोसिंथेसिस को इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? सही बनाना है? नहीं यार, ये एमएससी में हम लोग पढ़ते हैं, मास्टर्स में पढ़ते हैं, काहे बनाना बनाना नहीं, मास्टर्स में यूज होता है। आपको सिर्फ ये याद रखना है एमएन सीए और सीएल, ठीक है, दे आर पार्ट ऑफ ओईसी ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। आप स्टूडेंट पूछा जाएगा ये हो गया, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर हो गया, ये सब मास्टर्स में पढ़ जाते हैं।